हेलो फ्रेंड, तो आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ एंड इन दिस वीडियो आई एम अनबॉक्सिंग कॉइन एल्बम विच आई ब्रिंग फॉर माय चैनल। सो लेट अस अनबॉक्स दिस। तो आई परचेज दिस फ्रॉम अमेजोन एंड इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। दिस इज़ रिटन ओवर हियर दैट इज़ कॉइन एल्बम। और यहाँ पे बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ मेहोगनी लाइफ कंपनी। तो लेट अस सी द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इन दिस एल्बम। तो बाहर का यदि देखें तो काफ़ी सॉलिड है। इट इज़ यूज एंड इट इज़ मेड बाई लेदर। तो लेट अस सी। सो आई परचेज इट फ्रॉम अमेजोन। और यदि हम इसकी बॉक्स की बात करें जिसमें हम कॉइन स्टोर करेंगे, सो इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज। इसमें हम मॉडरेट या फिर उससे बड़े कॉइन को स्टोर कर सकते हैं एंड इट इज़ बिग ट्रांसपेरेंट। तो एट ए टाइम आप दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड आसानी से देख सकते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, तो इस कॉलम में इस एल्बम में दोस्तों 10 पेज आपको मिलेंगे और हर एक पेज की कैपेसिटी है 20 कॉइन। तो एट ए टाइम आप इस एल्बम के अंदर 200 कॉइन को स्टोर कर सकते हैं। फर्दर यदि बात करें तो यहाँ पे एक स्टिक करने का, कॉइन को स्टिक करने का एक और ऑप्शन दिया गया है, सो दैट आपका कॉइन जो है फ्लिप नहीं करें, बाहर नहीं निकले और आप उसको आसानी से एनालाइज कर सकें। यदि मैं बात करूँ फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पे काफ़ी अच्छे से ये एक और बार दिया गया है। तो इस पॉलीथीन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आप अपने नोट को भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप यदि स्टाम्प कलेक्टर हैं, यू कैन कलेक्ट द स्टाम्प इन दिस कॉलम ऑल्सो। जैसा ये फ्रंट पेज पे है वैसा का वैसा दोस्तों लास्ट पेज पे भी इसी टाइप का एक और ऑप्शन दिया गया है। सो यू कैन स्टोर द नोट और स्टाम्प इन दिस। सो क्वालिटी की बात करें, इट इज़ गुड फॉर द बिगिनर। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे सारे कॉइन और नोट को इनमें भर के अच्छे से वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ माय कलेक्शन।